बिहार का वो स्थल जहाँ भगवान बुद्ध को मिला था जीवनदान। अगर ये नहीं होती तो नहीं होते गौतम बुद्ध। इस स्त्री की वजह से आज है पूरा बौद्ध समुदाय। आखिर कौन थी भगवान बुद्ध की जान बचाने वाली वो स्त्री महान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार में आज हम आपको ले चलेंगे राजधानी पटना से 180 किलोमीटर और बोधगया से तकरीबन 3 किलोमीटर पर स्थित एक प्राचीन स्तूप सुजातागढ़। वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को सुजाता नाम की एक महिला ने खीर खिलाया था और इस प्रकार सुजाता के नाम पर इस स्थान का नाम सुजातागढ़ रखा गया। यहाँ जाकर आप क्या क्या देख सकेंगे, क्या अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, वो सब बताने से पहले मैं आपको सुजाता के बारे में बताना चाहूँगी, जिनकी वजह से भगवान बुद्ध की जान बची थी। आज दुनिया भर में उनकी वजह से 48.8 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सुजाता को जानने के लिए हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे बिहार के गया में स्थित सुजातागढ़, जो कि बौद्ध काल में सेनानी ग्राम के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार सेनानी गांव में रहने वाली एक सुंदर सुशील सी उपासिका थी जिनका नाम सुजाता था, जो अभी तक कुंवारी थी। कहा जाता है कि सुजाता को अपने लिए सुयोग्य वर की तलाश खत्म करने के लिए उसके गांव के जानने वाले लोग सुजाता को सलाह देते हैं कि सुयोग्य पति प्राप्ति के लिए तुम्हें निरंजना नदी के पास स्थित बरगद के पेड़ को खीर चढ़ाने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उस समय के लोग वृक्ष आदि की खूब पूजा करते थे, वृक्ष को भगवान मानते थे। ये परंपरा उसी समय से अभी तक चलती आ रही है। आज भी हम लोग बरगद या पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करते हैं। उस समय भी लोगों की वृक्षों पर अटल विश्वास होती थी। इसी सिलसिले में सुजाता मन में विश्वास लिए निरंजना नदी के किनारे बरगद के पेड़ के पास पहुँचती है और वहाँ पहुँच कर अपनी मन्नतें मांगती है। फिर कुछ दिनों बाद सुजाता की शादी हो जाती है। सुजाता को अपने जैसा ही एक सुशील और सुयोग्य वर मिल जाता है। यही नहीं, कुछ समय के बाद सुजाता को एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में सुजाता की ये दोनों इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। इस दौरान सुजाता सोचती है कि हमारे मन्नतें तो पूरी हो गई हैं, क्यों ना हम बरगद देवता को भोग लगा आएं। कहा जाता है कि सुजाता तकरीबन 1000 गायों को पालती थी। वो वाल्मी घास खिलाकर वो इन गायों को पालती थी। कहा जाता है कि सुजाता 1000 गायों से दूध निकालकर 500 गायों को खिलाती थी, फिर 500 गायों से दूध निकालकर 250 गायों को खिलाती थी और आखिरकार 8 गाय बच जाते हैं। इन 8 गायों का दूध निकालकर सुजाता ने उस दूध से बड़ा ही स्वादिष्ट खीर बनाया। इसके बाद सुजाता उस बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां पहुंचकर सुजाता देखती है कि एक भिक्षु पड़ा है। बस कुछ लम्हे में उसकी जान निकलने वाली है। सुजाता यहां बिना समय गवाए भगवान बुद्ध को खीर खिलाती है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने होंठ हिलाने शुरू किए, फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध के शरीर में जान आई और शरीर में हलचल हुई। मृत्यु के शरण में पहुंच चुके भगवान बुद्ध ने पहली भिक्षा सुजाता की हाथों उस खीर को खाकर ही ली थी। फिर कुछ समय बाद बुद्ध बोलने की स्थिति में आए, तो ऐसे सुजाता ने भगवान बुद्ध की जान बचाई। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सुजाता को अपनी जीवनी बताई। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने जीवन की तपस्या को कड़ा और कठिन मार्ग देने वाला तीक्ष्ण व्रतों का प्रयोग किया और मैं निरंजना नदी पार भी नहीं कर पाया और गिर गया, और आपने मुझे बचाया। अब मैं ये कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाता तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाता। सुजाता ने उन्हें अपने गांव में रुकने को कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया और कहा, मैं निरंजना पार कर सकता हूँ, आपके खीर के सेवन से मुझ में इतनी शक्ति आ गई है। भगवान बुद्ध ने निरंजना नदी पार किया, जहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे देख भगवान बुद्ध ने कहा, अब यही हमारा स्थान होगा। और वहीं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सुजाता ना सिर्फ भगवान बुद्ध की जान बचाई, बल्कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग को भी प्रशस्त किया। भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता का अहम योगदान रहा, या फिर यूं कहें कि सुजाता थी जिनकी वजह से आज भगवान बुद्ध हमारे बीच हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जिस जगह पर सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई थी, उसी जगह पर एक स्तूप बनवाया गया। इसे ही सुजाता गढ़ कहा गया। यह स्तूप किसी टीले की भांति लगता है, जो छोटे छोटे ईंटों को
जोड़कर बनवाया गया है। उसका आकार भी बड़ा ही लुभावना है, जो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस स्तूप पर गिरते हुए चूने के निशान नजर आएंगे, जो उसकी सुंदरता को भी भंग करता है। यह स्तूप गुप्त काल से लेकर पाल काल तक निर्माण की अनेकों अवस्थाओं से गुजर चुका है। उत्खनन की इस जगह पर पाई गई बहुत सी प्राचीन वस्तुएं आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। सुजाता स्तूप, सुजाता कुटी स्तूप या सुजाता गढ़ बिहार में बोध गया के पूर्व में सेनानी ग्राम, जो अभी बकरौर गांव में स्थित एक स्तूप है। यह शुरू में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, जैसा कि पास के मठ में एक पंच चिन्हित सिक्का की खोज से इसकी पुष्टि की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1973, 74 और 2001 से लेकर 6 में उत्खनन में मिली एक पट्टिका में 8वीं-9वीं शताब्दी का एक शिलालेख है, जिसमें देवपाल राजस्य सुजाता गृह लिखा हुआ है। देवपाल की व्याख्या 9वीं शताब्दी के पाल राजवंश राजा के रूप में की जाती है। इसका अर्थ है राजा देवपाल का सुजाता घर। इससे पता चलता है कि सुजाता के स्मरण के लिए स्तूप का अंतिम चरण का निर्माण 9वीं शताब्दी में देवपाल ने किया था। अगर आप भी इतिहासों से रूबरू होना चाहते हैं, उन्हें पास से जानना चाहते हैं, तो गया पहुंचने पर सुजाता गढ़ अवश्य जाएं।